गोपाल तेरा मोबाइल दे तो निकालो फटाफट। शीट जो दिया तुम लोगों को, हाँ मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले रिवीजन लेता हूँ मैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या क्या फॉर्मूलाज है, पेपर ही लेके बैठो, बुक वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ सिर्फ कैलकुलेटर एंड ऑल लेकर बैठो। गोपू वो दे मेरे को ऐसे ही, आप है ना आप, हाँ ध्यान दो। मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग करते समय आपको कुछ फॉर्मूलास पहले करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला वाली शीट रेडी रखो, फॉर्मूला जहां पे मैंने लिखवाया था, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले आपको किसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है सर? कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर आपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा है सो आपका काम यहाँ पर बनने वाला है। अगर आपने कॉस्ट स्ट्रक्चर भूल गए, नहीं बनाया, सो फॉर्मूला में आपको डिफिकल्टी हो सकता है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है, आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर पे। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। अब यहां पर सेल्स को हम एस लिखेंगे, वेरिएबल को वी, इज इक्वल टू सी माइनस एफ इज इक्वल टू पी। यानी अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास क्या रेडी होना जरूरी है, कॉस्ट स्ट्रक्चर का रेडी होना जरूरी है। और अगर आपके पास कॉस्ट स्ट्रक्चर रेडी है तो आपका यहाँ पर 90% काम आराम से हो सकता है, क्योंकि उसी के ऊपर आपके ज्यादातर फॉर्मूला डिपेंडेंट है। अगर आप बात करो तो सबसे पहले आपको निकालना होता है यहाँ पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम प्यार से पीवी रेशियो कहते हैं। क्या बोलते बेटा? पीवी। सो पीवी रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। जैसे आपने प्रॉफिट वॉल्यूम निकाला उसके बाद आपको दूसरा पूछ सकता है ब्रेक इवन सेल्स। अगर आपको ब्रेक इवन सेल्स बोला जाए या फिर ब्रेक इवन पॉइंट पूछा जाए, दोनों का मतलब क्या होता है सर? सेम होता है। ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स दोनों ही सेम होता है। अब यहाँ पे बकायदा आपको पूछा क्या है, रुपीज में। इसमें पूछा है रुपीज में, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। उसका ब्रेक इवन सेल्स अगर यूनिट्स में पूछा है, मैं आपको दो तीन अल्टरनेटिव्स वगैरह बता रहा हूँ। ब्रेक इवन सेल्स अगर आपको यूनिट्स में पूछा है सो आपको यहाँ पर करना क्या है, ऊपर फिक्स कॉस्ट ही लिखना है, नीचे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ठीक है। सो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। उसके बाद ब्रेक इवन सेल, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो।
लेकिन अगर वही ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में पूछ लिया तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका फॉर्मूला होता है बेटा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। अगर आपको रुपीस में बोला तो रुपीस में करना, यूनिट्स में बोला तो यूनिट्स में करना, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला दोनों में क्या रहेगा सर, सेम रहेगा, दिक्कत है क्या। उसके बाद देखना एक और फॉर्मूला आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, मैंने वहां पर बाद में ऐड करवाया था, ठीक है। क्या है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो, और उससे रिलेटेड हमने कुछ सम्स भी किए थे जिसमें हम लोग ने ईयर बता देता, क्योंकि वैसे टाइप के सम्स अगर एग्जाम में आ गए तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना वो रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, क्योंकि कैसा होता है जब हम लोग रिविजन करने के लिए बैठते हैं तो वो क्वेश्चंस लिमिटेड होता है, इस वजह से वो अपने हाथों हाथ के नीचे से निकल जाते हैं। सो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं जब वो फॉर्मूला डिस्कशन के टाइम पे बता दे रहा हूँ कि अगर वो क्वेश्चन आया तो कभी भी रिवीजन करने बैठो तो वो एक वैरायटी लेकर बैठना आपको। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया, क्वेश्चन नंबर 31। हाँ वहां पे फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। अगर इसको मैं मॉडिफाई करूं, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा एक साइड रखो, है ना बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में एक साइड रख सकता हूँ, पीवी मल्टीप्लाइड का यहाँ पे डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी। ये वाली वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे बहुत ज्यादा बार पूछी नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेगा तो आपको याद रखना प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो, क्लियर है क्या। उसके बाद आपको इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा रिक्वायर्ड सेल्स, जिसको हम लोग डिजायर्ड सेल्स भी बोलते हैं, और उसके बाद आपको पूछा जाएगा रिक्वायर्ड प्रॉफिट, ठीक है, रिक्वायर्ड सेल्स और रिक्वायर्ड प्रॉफिट। नाउ रिक्वायर्ड सेल्स क्या कहता है, फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और अगर यही रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट्स में चाहिए होता, इसमें चाहिए होता सर, तो वहां पर पीवी रेशियो की जगह पे लिखते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या लिखते हैं बेटा अपन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर यही सेल्स रुपीस में आएगा, ये जो पीवी अपन लिखते हैं, पीवी अपने को बताता है रुपीस में कैसे आंसर आएगा, किस में आएगा आंसर, रुपीस में। लेकिन अगर यही यूनिट्स में चाहिए होता तो पीवी रेशियो की जगह पर मैं लिखता कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या लिखता, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्लियर है क्या। नाउ रिक्वायर्ड प्रॉफिट कैसे आएगा सर, रिक्वायर्ड प्रॉफिट कैसे आएगा, रिक्वायर्ड सेल्स इंटू पीवी रेशियो, रिक्वायर्ड सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, ये आपका स्ट्रक्चर, ये सात फॉर्मूला है, ठीक है। ये सात फॉर्मूला जो 90 से ज्यादा परसेंट क्वेश्चन में क्या हो गया, रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा एक वैरायटी और आती है जहां पे आपको टू पीरियड डेटा दिया रहता है, कौन से पीरियड सर, टू पीरियड डेटा मतलब 2 साल का डेटा दिया रहेगा, 2 महीने का डेटा दिया जा सकता है। तो जब टू पीरियड डेटा अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, सो सबसे पहले आप लोग का पीवी रेशियो का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, वहां पे फॉर्मूला आ जाएगा चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स, चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इन टू 100, क्लियर है क्या। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा, चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इन टू 100, चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इन टू 100, क्लियर है क्या। हाँ है ना, फॉर्मूला में कोई डाउट, फिर से बोल रहा हूँ आपके पास टोटल कितने फॉर्मूलाज है, टोटल 7। पहला क्या है, पीवी रेशियो फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सेकंड ब्रेक इवन सेल्स,
फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी, यूनिट में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। लेकिन अगर यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट के साथ रेप्लिकेट करेगा तो क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी, या प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी। ऐसा रिक्वायर्ड सेल्स, आपको हर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड सेल्स और रिक्वायर्ड प्रॉफिट दोनों में से एक तो 100% बोलेगा। सो रिक्वायर्ड सेल्स कैसे आएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और रिक्वायर्ड प्रॉफिट कैसे आएगा, रिक्वायर्ड सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। और लास्ट टू पीरियड डेटा अगर आप क्वेश्चन में दिया रहेगा तो पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा, दैट इज चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो वी विल गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, ठीक है? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए, फॉर्मूला में कोई डाउट है, पक्का हाँ है ना? ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द नेक्स्ट वन। नाउ अब सम चालू करेंगे, वन शॉट में 6 इंपॉर्टेंट सम्स ले रहा हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए थे, ठीक है? वो सारे क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से कर लिया सो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा मगजमारी झंझटमारी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप जो करोगे वो आपके लिए एडवांटेज होने वाला है, ठीक है? क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जरा ध्यान से पढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वॉज 200 पर यूनिट, यानी आपके क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है। इफ इट इज इन द क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस अगर क्वेश्चन में दिया गया है, अभी लेक्चर स्टार्ट किया, सेलिंग प्राइस जो है वो 200 रुपए आपको दिया गया है। इट्स कॉस्ट स्ट्रक्चर वॉज एज फॉलोस, इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, हाँ ना? बट वेरिएबल मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस फिक्स ओवरहेड ऑफिस एंड सेलिंग। देखा ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर 3 आइटम्स दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर आपको 3 आइटम्स दिया है। सबसे पहले आपका फोकस कहां पर होना चाहिए, कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है? सो बेटा कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाने पे पहला फोकस होगा, बाद में क्वेश्चन में जो पूछा है वो देखेंगे। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या, सर हमारे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है, बोले सर हाँ दिया है, ठीक है? सो हम लोगों को सेलिंग प्राइस, बट अपने को क्वेश्चन में सेल्स इन यूनिट्स दिया है क्या, कितना यूनिट सेल क्या, 10,000, 20,000, 25,000, 1,00,000, 2,00,000 यूनिट, नहीं वैसी कोई बात बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिंपल सा कॉस्ट स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, सेल्स बेटा हो गया अपना 200 यूनिट, 200 रुपया पर यूनिट, अरे ये सुनो बेटा, माइनस करेगा बेटा वेरिएबल कॉस्ट, क्या करेगा, वेरिएबल में 3 है बेटा, मटेरियल है, लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लियर है? मटेरियल कितना है सर, 76 है, 28 है, 16 है, टेक द टोटल ऑफ ऑल 120 पर यूनिट आ गया। सो अगर आप इसको माइनस करोगे तो 80 रुपया प्रति यूनिट आपका आ गया ये कॉन्ट्रीब्यूशन, पक्का? अब मैं यहां से फिक्स कॉस्ट माइनस कर सकता हूँ क्या, यस yes, कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा भेदभाव, बिकॉज ये क्वेश्चन में दिया है पर यूनिट और ये दिया है आपको अमाउंट, सो दोनों चीजें अलग है, तो पर यूनिट को कर देता हूं मैं क्लोज और इसी के नीचे लिखता हूं फिक्स कॉस्ट, ताकि मेरे पास एक एग्जैक्ट आंसर आ जाए, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन यूनिट्स में दिया है और ये आपको अमाउंट में देता, अमाउंट को अलग करो, कितना है सर, 560 प्लस 4,40,000 प्लस 80,000 टोटल कर बेटा 10,80,000, क्या कोई दिक्कत है, श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए, हाँ। अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट्स अपने को बोला 40,000 यूनिट्स, कितना बोला है, यानी अगर मैं चाहूँ तो इसको 40,000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, हाँ सर, हाँ है ना? अगर मैं 40,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे सेल्स मिल जाएगा, हाँ, क्या मुझे वेरिएबल मिल जाएगा, हाँ, लेकिन याद है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, तो अगर आप यूनिट से करोगे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा और अमाउंट के बेसिस पे करोगे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा। सो यूनिट्स को आप डिफरेंट और अमाउंट को आप डिफरेंट रख सकते हैं क्या, यस आप रख सकते हैं, अगर आप चाहो तो कॉस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट भी कर सकते हो। सर कैसे, ये आपका सीपीयू का कॉलम हो जाएगा और ये आपका रुपीज का, तो भी चलेगा, हाँ है ना? सो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जितना काम है उतना ही कर रहे हैं,
पहला क्या निकालने बोला सर? पीवी। पहला क्या निकालने बोला? पहला पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या कोई बात है बेटा? चलो व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन? 80 बोला है और पी सेल्स कितना बोला है? 80 डिवाइडेड बाय 200 इनटू 100 कितना आता है बेटा बता? 40%। ले भाई साहब तेरे को मार्क्स मिल गए, तेरे दो दो मार्क्स लेके जाने का घर पे। सेकंड क्या बोलता है? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट्स। फॉर्मूला क्या बताता सर आपने? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर यूनिट वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपको यूनिट्स में दिया होगा तब। अरे ये सुनो बेटा, तो यूनिट्स नहीं, पर यूनिट है सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट? टोटल 10,80,000, 10,80,000। सर व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 80। जरा डिवाइड कर बेटा, 13,500 यूनिट्स। दिक्कत है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। नेक्स्ट पे आ जा बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसमें बोला है? रुपीस में कि यूनिट में? कुछ नहीं बोला है, तो यूनिट आपने निकाला अपन ने, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो कितना है एक्चुअल सेल? 40,000 बोला बेटा, 40 में से 13,500 माइनस कर, 26,000 यूनिट्स आएगा कि रुपीस आएगा बताओ? पक्का रुपीस नहीं आएगा। तीन चीजें निकाल लिया। नाउ ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट, अमाउंट में चाहिए इफ फिक्स्ड ओवरहेड इज इंक्रीज बाय 20%। ब्रेक इवन सेल चाहिए उसको लेकिन फिक्स ओवरहेड का अमाउंट बढ़ा के। सो अपना पहले ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला लिखते बेटा, ब्रेक इवन सेल्स फॉर्मूला क्या बोलता है? फिक्स कॉस्ट प्लस या अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, क्लियर है क्या? बट इस क्वेश्चन में अपने को प्लस 20% बढ़ा के बोला है। कितना टका बढ़ा के सर? सर 20 किधर बोला है? इंक्रीज बोला, इंक्रीज बोला तो प्लस, डिक्रीज बोला तो। सो व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट? 10 लाख, 10,80,000 इज माय फिक्स कॉस्ट, यस और नो? 20% बढ़ा के बोला, 20% बढ़ा के, तो प्लस 20% कर बेटा। और पीवी रेशियो अपने को 40% दिया ही है क्वेश्चन में। 10,80,000 प्लस 20% कितना होता है? 12,96,000 डिवाइडेड बाय 40% कितना? 32,40,000। सो दिस इज माय ब्रेक इवन सेल्स, क्लियर है क्या? रिवाइज्ड पीवी रेशियो व्हेन सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20। सर अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया तो पीवी रेशियो चेंज होगा? हाँ। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है सर? इफ सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%, सो एस माइनस वी इज इक्वल टू सी। व्हाट इज माय सेलिंग प्राइस डियर? 200। 20% बढ़ाने का कि कम करने का है? बढ़ाने का है। सो 200 प्लस 20%। वेरिएबल पे गाज गिरी के अभी तक नहीं, 120 का 120 ही रहेगा। सो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो व्हाट इज माय रिवाइज्ड पीवी रेशियो? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, 120 अपॉन 240 इनटू 100। सो माय डियर, सो मेरा रिवाइज्ड पीवी रेशियो आएगा 50%, क्लियर है?
10 मार्क का क्वेश्चन है, कितने मार्क का? हर स्टेप पे कितने मार्क्स मिलेंगे? 2, जितना करेक्ट उतना मार्क्स। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी? श्योर कॉन्फिडेंस? कैन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन? चलिए ठीक है, दिख रहा क्वेश्चन दिख तो रहा है। चलो थैंक्स टू गोपू कि हमारे गोपू ने इतना मेहनत करके बनाया है, लेकिन फिल्टर लगाना भूल गया क्योंकि वो लड़की नहीं है। है तो स्नैपचैट पे पहला फिल्टर लगाने वाले कौन है? लड़कियां। स्नैपचैट को पॉपुलर करने वाला कौन? लड़कियां, क्योंकि उनको पता है कि वी आर सो ब्यूटी जस्ट बिकॉज ऑफ स्नैपचैट। अरे जोक कर रहा हूँ रे, मजाक कर रहा हूँ, क्वेश्चन के बीच में थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, नहीं तो हाँ जरूरी है, नहीं तो ऐसा बाउंस हो जाएगा। अ कंपनी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन है। अ कंपनी एनुअली मैन्युफैक्चर सेल ऑफ 30,000 यूनिट्स। भाई साहब 30,000 यूनिट अपन बना रहे ले, एंड द सेलिंग प्राइस इज 60 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? सो व्हाट इज माय कॉस्ट स्ट्रक्चर? क्वेश्चन नंबर 5A। यस बेटा, एक कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी दुइठो क्वेश्चन आ जाता है। सो व्हाई 30,000 अपना मटेरियल कॉस्ट 4 लाख, लेबर कॉस्ट, अच्छा ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ओवरहेड भी वेरिएबल, ओवरहेड फिक्स्ड, फिक्स्ड बोला था, फिक्स में जाएगा, बाद में कंप्यूटेशन बोला है। ठीक है, तो पहले इतनी इंफॉर्मेशन देखते हैं। सो बेटा सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के पहले व्हाट इज माय सेल्स? सर 30,000 यूनिट्स। व्हाट इज माय सेलिंग प्राइस? 60। क्या मल्टीप्लाई करके बताओगे? 18 लाख। व्हाट इज माय वेरिएबल कॉस्ट? सो वेरिएबल में पहला दिया है मटेरियल, दूसरा दिया लेबर और तीसरा दिया ओवरहेड्स। व्हाट इज माय मटेरियल? 4 लाख। व्हाट इज माय लेबर? 1,70,000। व्हाट इज माय ओवरहेड? 1,50,000। क्या तीनों को प्लस करेंगे? नहीं सर, 18 लाख में से माइनस कर, कितना रहा है? 10 लाख। ये 10 लाख 8,000 को हम कुछ तो बोलेंगे बेटा। अरे गलत कहा है बोल रही हो रे बबुआ, इतना टेंशन में से हम कॉस्टिंग सिखा रहे हैं, उसमें भी गलत गलत बोलेंगे कैसे चलेगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। सर व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट? सो 10,80,000 में से 3,60,000 गया, बता जी 7,20,000। सर 7,20,000 का अपन क्या बोलेंगे बेटा? क्या आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर रेडी? अगर आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर रेडी तो आर यू रेडी टू सॉल्व द सम? यस सर। पहले क्या बोला है? प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। ये फॉर्मूला लिखते समय याद करने का, पता है क्यों? फॉर्मूला भी तो जान है, फॉर्मूला गया तो गए। पर इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन 10,80,000 और मेरा एक्सपीरियंस है मार्जिन और स्टैंडर्ड का, जितना समय आप प्रैक्टिस करोगे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला अगर तुमने लाइन से 10 सम बैठ के कर लिया तो आपको फॉर्मूला याद करें, सब बार 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 वही रिपीटेटिव होगा। सो व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन? 10,80,000 अपॉन सेल्स 18 लाख इनटू 100। सो 60% इज माय पीवी रेशियो। पक्का है क्या? सो सेकंड, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। सो पहले ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में बोला है, सो कैसे आएगा सर? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है,
सो व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट? 3 लाख 60 हजार, 3 लाख 60। व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? सो ओ सर, अगर बाबा दिए लाई नहीं है सर, निकाल सकते हैं ना, 30,000 तो पता है अपने को। सो इससे 30,000 डिवाइड कर दे, जितना जरूरत है उतना निकाल ले, ठीक है बेटा। सो इधर 36 रखा तो कितना आएगा? तो 10,000 यूनिट्स। क्या कोई दिक्कत है? समझा कैसे निकालने का है? यहाँ पे 36 तेरे को यूनिट दिया था, किधर दिया था सर? 30,000 दिया था। सो 10,80,000 में से 30,000 क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आएगा? 36। क्लियर है क्या? सो वो 36 तेरा होगा पर यूनिट। क्या हो गया? पर यूनिट। सो 33,60,000 डिवाइडेड बाय 36 क्या? तो 10,000 यूनिट्स। फिर क्या निकालने बोला? ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस, ब्रेक इवन सेल्स रुपीस में बोला है सर। फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। सो व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट? 3,60,000। व्हाट इज माय पीवी रेशियो? 60%। 6 लाख डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। समझा? नेक्स्ट वन, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3। यहां पर पहला वर्ड क्या दिया सर? पता, रिक्वायर्ड सेल्स का आंसर, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगेगा। रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट? 3,60,000, 3,60,000। क्वेश्चन जरा चेक करो, आपको रिक्वायर्ड प्रॉफिट दिया है 3 लाख। व्हाट इज माय पीवी? सो कैलकुलेटर पे लो, 11 लाख। 11 लाख, क्या कोई दिक्कत? उसके बाद नेक्स्ट वर्ड, प्रॉफिट व्हेन सेल इज, पहला वर्ड क्या दिया? प्रॉफिट, मतलब फॉर्मूला किसका लगेगा? रिक्वायर्ड प्रॉफिट। सवाल ये पैदा होता है कि अपने को यूनिट्स में बोला है, सो टेंशन नहीं लेने का, रिक्वायर्ड प्रॉफिट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? रिक्वायर्ड सेल्स इंटू पीवी रेशियो, यही पढ़ा है। नाउ ध्यान देते समय, व्हाट इज माय रिक्वायर्ड सेल्स? सब 50,000 यूनिट बोला है, पर यूनिट नंबर ऑफ सीपीयू दिया है, रेट दिया है क्या? नहीं। सो अपने क्वेश्चन में जरा झांक के देखने का, 50,000 इंटू, यहाँ पे कहीं पे सीपीयू दिया है क्या बेटा? 60। कितना दिया है? क्वेश्चन में भी दिया 60। सो क्या करेंगे? 50,000 इंटू 60। अरे यस नो बेटा, क्वेश्चन में 50,000 यूनिट दिया है, सो वो 50,000 यूनिट सबका क्या हो जाएगा सर? नंबर ऑफ यूनिट्स, 60 रुपए आपको पर यूनिट दिया है, तो 50 इंटू कितना करेंगे? 60। ये आपका सेल्स होगा। क्या हो गया? आपका पीवी कितना है? 60% माइनस फिक्स कॉस्ट। अरे क्लियर है बेटा? सो 50,000 इंटू 60 कितना आया? 30 लाख इंटू 60%, 18 लाख आया, माइनस 3,60,000। बेटा भांग पी क्या है बेटा? लेट आया, उसमें से भी भांग पी क्या आ रहा है? 36,000 बोलता है। इसका आँख खोला रे भैया, आँख में कुछ घास रहा है डालो उसके। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस इफ फिक्स कॉस्ट इज रिड्यूस बाय, ध्यान दो बेटा, ब्रेक इवन अपने को रुपीस में चाहिए, ठीक है। सो क्या मेरे को फिक्स कॉस्ट, मेरे को फॉर्मूला मालूम है? यस सर।
ब्रेक इवन पॉइंट बोला कि सेल्स बोला है पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन रुपीस के लिए क्या था सर पीवी रेशियो ठीक है. सो व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर देखो 360,000 सर इंक्रीज बोला कि डिक्रीज बोला क्वेश्चन में रिड्यूस माइनस पीवी रेशियो 60 बोला ही है. सो 360 माइनस 20% 288,000 डिवाइडेड बाय 60% 4,00,000 क्या कोई दिक्कत हो गया आपका सम. क्वेश्चन में क्या दिया था समझ में आ रही बात पक्का श्योर कॉन्फिडेंस. ये जो रेड रेड से लिखा हुआ सब आपके क्या है फॉर्मूला है और बाकी उसका क्या है सोल्यूशन है ठीक है पक्का. कभी कभी कोई लेट जुड़ता है उसको बोलता है सर मेरे को समझ में अरे बेटा तूने फॉर्मूला ही नहीं देखा तो तेरे को कैसे समझेगा. तो स्टार्टिंग में जाने का और क्या देखने का पहले फॉर्मूला ठीक है. पूरे टेक्स्ट बुक को अगर आप देखोगे मनन या सेट पब्लिकेशन उठाओ तो आपको 26, 27, 28 फॉर्मूला दिखेंगे. मैं आपको 7 फॉर्मूला और प्लस एक एडिशनल बोनस वाला दे रहा हूँ दैट इज पीवी रेशियो चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इनटू 100. 8 फॉर्मूला के अलावा नवा फॉर्मूला यूज ही नहीं होगा जल्दी ठीक है. उसी का मॉडिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा. क्लियर है क्या. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन ठीक है. हाँ दिख रहा है. थैंक यू गोपू. फ्रॉम द फॉलोइंग इज अवेलेबल तारा लिमिटेड और चांद लिमिटेड. ध्यान दो यहाँ पे दो कंपनी दिया है. दो साल का दिया नहीं है दो कंपनियों का दिया है. मतलब फॉर्मूला एक बार लिखने का और सम दो बार सॉल्व करने का ठीक है. सेल्स वेरिएबल कॉस्ट प्रॉफिट दिया है. सो आपको सबसे पहले करना क्या है सर कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी है. इस कॉस्ट स्ट्रक्चर में भी दो कंपनियों का नाम आएगा तारा लिमिटेड और चांद लिमिटेड. फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है मेरा भैया का तकला चांद है और बहना तारा है. ध्यान दो घूम फिर के वापस आने का रहता है थोड़ा मजा करने का लेकिन वापस आ जाने का. सेल्स कितना है 37,00,000. चांद कितना है बेटा. कॉस्ट स्ट्रक्चर भूलने का नहीं. सेल्स के बाद बेटा आता है वेरिएबल कॉस्ट. क्या क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दिया है 29,60,000 और 33,07,000 पक्का. सेल्स माइनस वेरिएबल के तो क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन. चलो माइनस कर बेटा 37,00,000 में से 29,60 माइनस. ए भाई नशा ए इसको नशा मुक्ति केंद्र लेके जा रहे बाजू वाले को भी लेके जाओ भाई. कैलकुलेटर लेके बैठ रहा गलत बता रहा है. मेरे को लगा था खाली एमकॉम वाले को प्रॉब्लम होता है ये तो सबको प्रॉब्लम है भाई साहब. फॉर्म हाँ 11,25,000 45,00,000 माइनस 33,75,000 तो 11,25,000 इज द आंसर माइनस फिक्स कॉस्ट. क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया है क्या. नहीं सर नहीं दिया तो मत लिखो. लास्ट में प्रॉफिट दिया है. सो प्रॉफिट लिखो क्वेश्चन में कितना दिया है 1,40,000 और 3,25,000. सो अब करना क्या बेटा 7,40,000 में से 1,40,000 गया 6,00,000 यानी इसमें से इसको माइनस करने का और इसमें से इसको माइनस किया तो कितना मिलेगा बेटा. मेरे को भी रोहित शर्मा का इसमें से इसको किसमें से किसको कॉन्ट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को ठीक है. क्लियर है क्या. कॉस्ट स्ट्रक्चर पहले आपको कंप्लीट करना है उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या बोला फाइंड द पीवी रेशियो. सर पीवी रेशियो निकालते हो लेकिन कौन सी कंपनी का सर दोनों. अच्छा अब यहाँ पर करते से मैं आप क्या कर सकते हो एक बार फॉर्मूला दो बार आंसर या फिर तीन कॉलम बनाओ एक जगह फॉर्मूला दूसरी जगह तारा और चांद
आपके ऊपर आपको कैसे करना है, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ऊपर लिखा बेटा तारा, चंदा ने पूछा तारों से, तेरा लफड़ा है क्या? नहीं मेरा नहीं है ना। ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन क्या बेटा, 7,40,000 डिवाइडेड बाय 37 लाख, 7,40,000 डिवाइडेड बाय 37 लाख इंटू 100। ठीक है, तारा के इसमें तारा का कैलकुलेशन। नेक्स्ट वाला आ जा बेटा, 11,25,000 डिवाइडेड बाय 45 लाख इंटू 100, क्या होगा? क्लियर? तारा के इसमें तारा का कैलकुलेशन है, चांदा के इसमें चांद का। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पे आ जाओ बेटा, फिक्स कॉस्ट ऑफ द बोथ द कंपनी। क्या तुमने फिक्स कॉस्ट निकाला है? सर निकाला है ना, बताने की जरूरत है क्या? क्या है? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, मार्क्स तो मिलेगा। सेकेंड पे लिखा है फिक्स कॉस्ट निकाला है, हमने डायरेक्टली निकाला था, तो कैसे निकाला था वो आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 7 लाख सात लाख चालीस हजार माइनस 1,40,000 6 लाख। सेकंड पे आ जा बेटा, 11,25,000 पक्का। नेक्स्ट आ जा बेटा, ब्रेक इवन सेल्स ऑफ बोथ द कंपनी। रुपीस में की यूनिट में कुछ बोला है क्या? नहीं, तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में निकालने का। ब्रेक इवन सेल्स बोला कि रुपीस, यूनिट तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। नाउ व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट? 6 लाख पीवी, इसका पीवी 20% है, 30 लाख। प्रॉब्लम? नेक्स्ट वाला, 8 लाख फिक्स कॉस्ट 25%, 32 लाख। कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद आ जा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ बोथ द कंपनीज। सो फोर्थ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन सेल्स। सो व्हाट इज माय एक्चुअल सेल्स? 37 लाख माइनस 30 लाख, 37 लाख माइनस 30 लाख, तो 7 लाख मेरा आंसर आ गया। सेम, 45 लाख माइनस 32 लाख। पक्का है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस? जब आपको दो कंपनी का डेटा दिया रहेगा तो समझ जाना सम एज कंपेयर टू बाकी सबसे ज्यादा लोअर लेवल का रहेगा, बेसिक कैलकुलेशन से आपको पूछे जाएंगे। फिर से आ जाओ, पिछले वर्ष गत वर्ष का है, पिछले साल का है। अब आप लोग सेकेंड वैरायटी में एंटर होने जा रहे हो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट व्हेन सेल इज 2,50,000, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50 एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेकेंड ईयर। ठीक है, 5 चीज निकालना है, बस फर्क क्या है? सेल्स और प्रॉफिट तो दिया है, बट 2 साल का डेटा दिया। कितने साल का बेटा? 2 साल का। सो जब 2 साल का डेटा दिया होगा तो आपको टाइप नंबर 2 पे जाना होगा, जहां पर पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। और ध्यान दो जरा, अगर आप डायरेक्टली निकालोगे तो भी आपका काम बन रहा है,
पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स, इन सेल्स। पक्का प्रॉफिट ध्यान दो, 40 में से 25 गया, 40,000 माइनस 25,000, सो 15,000 आएगा बेटा। चेंजेस इन सेल्स 450 माइनस 375, सो यहां पर आ गया 75,000 इंटू 100 इंटू 100 कितना आएगा, 90% लोग यहां से गलती चालू करेंगे कि पीवी रेशियो निकालने के बाद आपको ब्रेक इवन निकालना है, क्लियर है? नहीं निकालने का, रुकने का। और जब भी पीवी रेशियो आ गया इसके बाद तुरंत आपको पहले क्या प्रिपेयर करना है, वरना आप आगे जाकर अटक ही जाने वाले हो। इसीलिए कभी भी याद रखो, जब भी आपको चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स आया, अपने बोलते दिमाग को थोड़ा सा शांत करने का और रुकने का, आगे कुछ भी बोला रहे सबसे पहले पीवी निकालो और रुको और निकालो पहले कॉस्ट स्ट्रक्चर। जब तक कॉस्ट स्ट्रक्चर नहीं निकालोगे तब तक आपको शायद दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एस माइनस वी इज इक्वल टू सी माइनस एफ इज इक्वल टू पी। ना सॉल्व करते समय जरा ध्यान देना, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दिया, क्लियर है क्या? पहले साल का सेल कितना, 375, सेकेंड ईयर का 4,50,000, क्या कोई दिक्कत है? प्रॉफिट 25,000, सेकेंड ईयर का 40,000, क्या कोई दिक्कत है बेटा? अब बेटा करना क्या है, जब भी क्वेश्चन में पीवी आपने निकाला, इस पीवी को बगल में लिखना है कंट्रीब्यूशन के, किधर? पक्का? अब 375 का 20% निकाल, 75,000 आ गया, 4,50,000 का 20% निकाल, 90,000। अरे क्लियर है क्या बेटा, दिक्कत है? समझा? पीवी जो है वो किधर लिखने का, कंट्रीब्यूशन के बाजू में, किसके बाजू में, कंट्रीब्यूशन के बाजू में। लिखा 375 का 20% 75, 450 का 20% 90। अब ये दोनों के बीच में गैप आ रहा है 3 लाख का, माइनस करने का बेटा, और ये दोनों के बीच में गैप आ रहा है 50,000। 450 माइनस 90 360, और 90 और 40 में गैप आ रहा है 50,000। दोनों साल का प्रॉफिट सेम है, मतलब अपन सही जा रहे, क्लियर है? अब इसके बाद आपको जो पूछा है वो देखते हैं। पक्का? डिफरेंस मतलब समझा, माइनस करने का। अब सेकंड बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट। अब सवाल पैदा था सर कौन सी ईयर का निकालने का, बेटा दोनों सेम ही है, दोनों एक ही कंपनी है, खाली ईयर वन और ईयर टू है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो। अगर मान ले तूने ये कॉस्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाया होता तो तेरे पास फिक्स कॉस्ट होता था क्या? तो तेरे को ऐसे भी अटक नहीं था। इसलिए मैंने कभी बताया कि जब भी ऐसा बोला रहे तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट के लिए कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाने का। नाउ व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट, दोनों का 50 है, और व्हाट इज माय पीवी रेशियो, सो व्हाट इज माय ब्रेक इवन पॉइंट, 2 लाख। कोई दिक्कत है? प्रॉफिट व्हेन सेल इज 2,50,000, पहला वर्ड क्या है? तो पहले रिक्वायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। चलो व्हाट इज माय रिक्वायर्ड सेल्स, क्वेश्चन में दिया है सर 2,50,000, 2,50,000, सो 2,50,000 इनटू व्हाट इज माय पीवी, 20% फिक्स कॉस्ट 50,000, 50 कॉस्ट स्ट्रक्चर देखने का समझ में आ जाएगा बेटा।
250 का 20%, बोलो ना, 50, 50 माइनस 50, ओ माय गॉड, माय रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज नील। आधे लोग ऐसे टेंशन में, सो जीरो आ सकता, आ सकता। यही तो गेम खेल रहा है आपके साथ, भावना के साथ। मेरा जीरो कैसे आया? अरे आ सकता है, ऐसा बोला है क्या? जीरो कहीं लिखा है क्या? जीरो नहीं आ सकता प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है? आगे, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50, वो पहला वर्ड क्या दिया है? सेल्स। तो वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा? रिक्वायर्ड सेल्स। सो रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट? 50,000 क्वेश्चन में दिया ही है सर। रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज 50,000 जो क्वेश्चन में दिया निकालने के लिए, अपॉन 20%, सो 5 लाख। कोई दिक्कत है? लास्ट वर्ड क्या दिया है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंटली क्या बोला है सर? सेकेंड ईयर का निकालना है। तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ सेकेंड ईयर देखेंगे। व्हाट इज माय एक्चुअल सेल्स? सेकेंड ईयर में सेल्स कितना? 4.5 लाख, 4,50,000। और एक्चुअल ब्रेक इवन सेल्स अपना कितना आया सर? 2,50,000। सो 2 लाख। क्या कोई दिक्कत है? जो पूछा है वही निकालो, हर स्टेप पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 का समय, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2023 का समय, ध्यान दो। यू आर गिवेन द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 19 ऑफ आवर बुक बैंक कंपनी, अक्टूबर 2023। वेरिएबल कॉस्ट, नेट प्रॉफिट, सेल्स, रिक्वायर्ड कैल फिक्स कॉस्ट, पीवी, पहला वर्ड प्रॉफिट, व्हेन सेल इज 10 लाख, ब्रेक इवन सेल, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख्स। इट इज इजी टू क्रैक। सबसे पहले आप क्या करोगे सर? कॉस्ट स्ट्रक्चर। जब तक आपका नहीं होगा कॉस्ट स्ट्रक्चर, तब तक कुछ नहीं कर सकता है फिक्सर। ठीक है, सबसे पहला सेल्स माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या बात है? यस और नो? व्हाट इज माय सेल्स? 8 लाख। वेरिएबल 4 लाख दिया है क्वेश्चन में, 8 माइनस 4, 4 लाख। व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट? नॉट गिवन। प्रॉफिट इज 80,000। सो 4 लाख में से 80 का तो 3,20,000 बचेगा। इट इज माय बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, सबसे पहले मुझे निकालने क्या बोला है? तो जो मुझे निकालने बोला है वो कैसे निकाला वो बता दो खाली। सर कॉन्ट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट मैंने माइनस किया, सो आपको वही दिखाना है कि 4 लाख माइनस 80 लाख 20। क्लियर है क्या? सेकंड क्या निकालना है सर? पीवी रेशियो। सो सेकंड पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सर व्हाट इज माय कॉन्ट्रीब्यूशन? 4 लाख। व्हाट इज माय सेल्स? इनटू 100,
क्या बात कर रही हो? ठीक है, समझे? नेक्स्ट, प्रॉफिट व्हेन सेल इज 10 लाख रुपीज, पहला वर्ड क्या है? प्रॉफिट। सो पहला वर्ड रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेल्स इनटू पीवी रेशियो फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज माय रिक्वायर्ड सेल्स? क्वेश्चन में बोला 10 लाख रुपया, पीवी रेशियो क्या है सर? 50%। फिक्स कॉस्ट कितना है? 3 लाख 20 निकाला है फर्स्ट स्टेप में, 5 लाख में 10 लाख का 50%, 5 लाख, 5 लाख माइनस 3 20, 180। क्या कोई दिक्कत? समझा? यस और नो? उसके बाद ब्रेक इवन सेल्स बोला है, ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। उसके बाद फिक्स कॉस्ट कितना है सर? 3 20, पीवी रेशियो 50%, सो डिवाइड करके 6 लाख 40। क्लियर है क्या? पांचवा, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, तो पहला वर्ड दिया सेल्स, सेल्स मतलब रिक्वायर्ड सेल्स निकालना है आपको। रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। सो व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट? 3 लाख 20 प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट 5 लाख, 50%। सो हाउ मच? 16 लाख 40 हजार। डिवाइड करें 16 लाख। क्या कोई दिक्कत? 8 5 3 8 8 20 8 20 का डिवाइडेड में 50 किया तो 16 लाख 40 हजार। क्या कोई दिक्कत है? श्योर? द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रिवीजन, ध्यान दो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अजंता कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट पीवी, फिक्स, ब्रेक इवन सेल, प्रॉफिट। पहला वर्ड प्रॉफिट है, दूसरा प्रॉफिट मार्जिन सेफ्टी फॉर बोथ द इयर्स, दोनों साल का निकालना है। दोनों साल का निकालना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे सर? पीवी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सर दो साल का डेटा दिया तो चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन इनटू 100। सर व्हाट इज माय प्रॉफिट? तो 90 माइनस 60, सो 90,000 माइनस 60,000, सो 30,000 इज माय आंसर। सेल्स 1050 माइनस 9 लाख, 1,50,000 इनटू 100। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20% इज दी पीवी। दूसरा क्या निकालने बोला है? मैंने आपको कहा चेंजेस वाला जब भी फॉर्मूला लगाओगे तो सेकेंड स्टेप आपका हमेशा क्या रहेगा? कॉस्ट स्ट्रक्चर। अभी भी बताया मैंने कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। व्हाट इज माय फर्स्ट ईयर एंड व्हाट इज माय सेकेंड ईयर? ठीक है, सेल्स इज 9 लाख एंड 10,50,000, प्रॉफिट इज 60,000 एंड 90,000।
सबसे पहला काम आपको क्या करना है सर, आपका जो पीवी है उसको कंट्रीब्यूशन के बगल में लिखना है। 90 का 20% कितना होता है, और 10,50,000 का 20%, 2,10,000, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस, 9 माइनस 1 7,20,000, इधर माइनस करो 8,40,000। फिक्स कॉस्ट में ये दोनों का डिफरेंस निकालो बेटा, 1,20,000 सेम आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सही जा रहे हैं। अब क्या करना है सर, फिक्स कॉस्ट, तो सेकंड वाले में फिक्स कॉस्ट आपको निकालना है। सर हमने तो फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी निकाल दिया है, निकाल दिया तो आपको शो तो करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन अपॉन माइनस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर का निकालो तो फर्स्ट ईयर लिखना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन 180 है, -60, सो 120 इज माय फिक्स कॉस्ट। सेकेंड वाला 2,10,000 -90,000, 120 इज माय प्रॉफिट, क्लियर है। नेक्स्ट क्या निकालने बोला है, ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट, 1,20,000 डिवाइडेड बाय पीवी, तो 12,25,60, 6,00,000, ठीक है। फोर्थ वाला प्रॉफिट एट द सेल ऑफ 12,00,000, तो प्रॉफिट वर्ड दिया तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस सो व्हाट इज माय रिक्वायर्ड सेल्स, 12,00,000, पीवी कितना बेटा, पीवी 20%, व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट, 1,20,000, बारह लाख का 20%, 24, 2,40,000 माइनस 1,20,000, 1,00,000, क्लियर है क्या। एंड लास्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर बोथ द इयर्स, दोनों साल का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो फिफ्थ मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। आपको दोनों साल का निकालना है, सो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, व्हाट इज माय एक्चुअल सेल्स, 9,00,000 और 10,50,000, माइनस माइनस ब्रेक इवन सेल्स 6,00,000, इधर भी आएगा 6,00,000, सो इसका आएगा 3,00,000, 4,00,000, पक्का है क्या, कोई दिक्कत है, श्योर कॉन्फिडेंस, समझा। दैट्स ऑल फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ हमारा खत्म होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अगर ये 6 questions आपने कर लिए, उसके बाद आपको जो करना है आप करो, मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओवरऑल जो भी फॉर्मूलाज हमको यहाँ पर लगने वाले थे, वो सारे फॉर्मूलाज पहले हमने डिस्कस किए, ठीक है। अगर आप देखोगे सारे के सारे चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, ठीक है। पहले हमने सारे के सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किया,
कुछ नहीं बेटा, कभी कभी इसको बेचारे को चक्कर आता है। ठीक है, सारे फॉर्मूला सारे हमने डिस्कस किए हैं, फिर उसके बाद बैक टू बैक हमने सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे चीज कर डालना। वैसे इंपॉर्टेंट मतलब इन शॉर्ट आपको कम से कम 6 क्वेश्चन मैंने कराया, तो अपनी तरफ से कम 6 क्वेश्चन अपनी तरफ से कर लेना, आपका चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, समझा? श्योर? कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। चलो, टाटा बाय, आदाब, गुड बाय, सत श्री अकाल, मिलते कल ब्रेक के बाद।